नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो ये कुबोटा का MU5501 ट्रैक्टर है। तो बारे में फुल डिटेल बताएंगे आपको क्या क्या इसमें और ट्रैक्टरों से अलग दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। MU5501 कुबोटा कंपनी का जो ट्रैक्टर है, जो कि मेड इन जापान है, बाहर का बनाया जापान का ट्रैक्टर है। इसमें एक तो सबसे अच्छी चीज दे रखी सिक्रोमेंस गियर बॉक्स दे रखे इसमें। अच्छा, सिक्रोमेंस गियर बॉक्स दे रखे सारा सिक्रोमेंस गियर बॉक्स। सिक्रोमेंस गियर बॉक्स का मतलब ये है कि जो इस ट्रैक्टर के है ना गियर, अच्छा, एक दूसरे की पोजीशन में बदलते हैं, यानी टॉप गियर से दूसरे में बदलते हैं, दूसरे से पहले में बदलते हैं, कोई गियर बक्सा आवाज नहीं करता। अच्छा, जो कि अदर ट्रैक्टरों में अगर ऐसी पोजीशन आती है ना, गियर बक्सा फट के एक साइड में हो जाता है। सबसे अच्छी चीज यह दे रखी। एक दूसरी साइड दे रखी ट्रैक्टर 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। अच्छा, ये 4 सिलेंडर, ठीक है। एक ये 55 HP ट्रैक्टर, 55 HP ट्रैक्टर का है। और इसका जो 55 HP ट्रैक्टर है, जो कि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, इसमें 4 वाल टेक्नोलॉजी दे रखी। हर सिलेंडर के ऊपर 4 वाल है। अच्छा, 4 वाल, एक बार खोल कर दिखाइयो। हर 4 वाल दे रखी इसके ऊपर सिंगल जैक के साथ है। वही सिंगल बोनट 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। हाँ, 4 सिलेंडर होने की वजह से ना इसमें 16 वाल है। अच्छा, हेड के ऊपर, हर सिलेंडर के ऊपर 4 वाल है। 4 वालों का फायदा ये है, दो वालों से तो ये ऑक्सीजन लेता है, दो वालों से एक्सिड जो हवा ना वो बाहर निकलती है, जिससे डीजल की जो खपत है ना, अच्छा, वो कम रहेगी। ये सबसे पावरफुल लगाएगा, पावरफुल। और ये जो बॉक्स है, ये किस चीज का लगा? नहीं, ये डीजल की टैंकी है, जो की 60 लीटर की डीजल की टैंकी है। अच्छा, ये डीजल की टैंकी, डीजल टैंक है जी। अच्छा, ये तो काफी ट्रक और ट्रैक्टरों के से तो काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग दे रखे हैं। हाँ, अंदर बैटरी, जो बैटरी है, बैटरी अंदर है, जो ताकि सेफ रहे। हाँ, कोई छोटी ही बैटरी दे रखी है, जिससे ना ट्रैक्टर की है ना छोटी ही बैटरी से ये स्टार्ट हो जाता है, छोटी सी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कम करंट में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कूलेंट, ये कूलेंट की जो सूखे में है, एयर क्लीनर है, डाई एयर क्लीनर है इसका। अच्छा, सूखे में जी, सूखे में। जो फ्रंट एक्सल है वो ट्रैक्टरों की अपेक्षा ना बहुत हैवी फ्रंट एक्सल है। डीजल की जो खपत है ना वो कम रहेगी, वो काफी कम है। आज के टाइम में इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर है सबसे कम है ना SFC इस ट्रैक्टर की है। जिस ट्रैक्टर की SFC है ना कम होगी ना, वो डीजल की खपत कम लेगा, क्योंकि SFC कम होने का कारण ये है, जो इसका इंजन का डिजाइन है ना। हाँ, वो मेड इन जापान है। अच्छा, इस वजह से SFC कम है। और एक ये कम बता, कम स्पेस में मुड़ जाता है, एक ये सबसे बेस्ट चीज है इसमें। इसका जो मोड पे ना कटाई का है ना, जो कटाई का बिल्कुल थोड़े ही स्पेस में मुड़ जाएगा। हाँ, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। अच्छा, जो कि इजी है कटाई, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इजी कटाई है। और जो ये साइलेंट है बिल्कुल, ये साइलेंसर आवाज बिल्कुल कम है, एक बिल्कुल कति आवाज कम है। इसमें बैलेंसर सॉफ्ट लगी हुई है, है, जो कि आज तक इस पे किसी भी ट्रैक्टर में, किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में बैलेंसर सावट नहीं लगी हुई है। अच्छा, बैलेंसर सावट लगने की वजह से ट्रैक्टर में है ना मेंटेनेंस नहीं रहता जी। अच्छा, मेंटेनेंस बहुत कम, कुछ जीरो मेंटेनेंस बिल्कुल। अच्छा, और डीजल की खपत है ना रोटावेटर पे 4 से 4.5 लीटर की डीजल पे खपत है, और रोबे 1.5 से 2 लीटर की खपत है जिस ट्रैक्टर। ये तो काफी बेस्ट है इसकी, और ट्रैक्टर की अपेक्षा बहुत ही कम है, क्योंकि आज के टाइम में डीजल के जो रेट है ना 90 से 100 रुपये हो चुके हैं। किसी स्टेट में 100 है, किसी में 95, किसी में 90 है। हाँ जी, लेकिन जो अगर जमींदार आज डीजल की खपत का हिसाब लगा हुआ है, तो एक जमींदार का ट्रैक्टर कम से कम है ना एक साल में 800 से 1000 घंटे चले जाता है। 800 से 1000 घंटे का हिसाब लगाओ तो हम डीजल का ना, वैसे तो है सीधा सीधा 3 से 4 लीटर का फर्क ट्रैक्टर की अपेक्षा, लेकिन हम 2 लीटर का हिसाब लगा हुआ है। हाँ, तो 2 लीटर के हिसाब से अगर 1000 घंटे डिवाइड करें, 2000 लीटर तेल हो गया। हाँ, 2000 लीटर तेल है नहीं तो कम से कम 2 लाख रुपया तेल हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आराम से खा के है ना बचा दिया 2 लाख रुपया। हाँ, 2 लाख रुपया। अगर ट्रैक्टर जी जिमीदार ने 5 साल ट्रैक्टर चलाया तो उसकी तो ट्रैक्टर की डीजल डीजल में है ना कीमत पूरी हो जाएगी, ट्रैक्टर की कीमत पूरी हो जाएगी, जो पूरी हो जाएगी। अंतर जोड़ेगा ना इसके पीछे। हाँ, एक किसान मतलब 10 साल एक ट्रैक्टर में चला, 8 से 10 साल कम से कम ट्रैक्टर चलाता है, तो 8 से 10 साल में ना इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर की कीमत डीजल डीजल में पूरी हो जाएगी, डीजल डीजल उसका ट्रैक्टर उसी के पास रहना। हाँ, उसी के पास रहना।
और इसमें डबल क्लच, शटल शिफ्ट, ओएल एमरेस्ट ब्रेक, वेट ब्रेक, ओएल ओएल पावर स्टीयरिंग है, ओएल डिस्क वेट है इसमें, ड्यूल क्लच है, और जो इसका प्लेटफार्म दे रखा है, प्लेटफार्म देख लो भाई, बिल्कुल खुला, इसमें कोई किसी तरह से ड्राइवर है ना बिल्कुल आसानी से बैठ सकता है, आसानी से उतर सकता है, किसी प्रकार की सस्पेंडेड पैडल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आरामदायक क्लच पैडल, आरामदायक ब्रेक पैडल है। और दिखाते हैं भाई आपको कैसी है सीट ऊपर से, बिल्कुल भाई जो कर्म कमर में है बिल्कुल काफी आराम मिल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कार कार में बैठे, हाँ ट्रैक्टर को जैसे चलाता है ना कोई भी जमींदार, हाँ तो ऐसी फीलिंग आती है जो ट्रैक्टर नहीं मैं कार चला रहा, हाँ कार चला रहा है, एक तो इसकी वाइब्रेशन बहुत कम है, जीरो वाइब्रेशन है जी, हाँ और एक जो वॉइस है इस साइलेंसर वगैरह इंजन की वो भी बिल्कुल कम है, हाँ जी हाँ जी, यो मीटर काफी अच्छा मीटर दिया हुआ है, बहुत शानदार मीटर दे रखे हैं, जो कि है ना डीजल की का अलग मीटर दे रखा, आरपीएम का अलग दे रखा, पीटीओ का भी कितने में पीटीओ पे चलाना उसका निशान अलग अलग आ रखा, हाँ ये गरमान का गरमास का अलग से दे रखा, हाँ ये घंटे डिजिटल मीटर मांगे ये है, डिजिटल मीटर है ये, और काफी खुला स्पेस है भाई, और चढ़ने के लिए ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, और सीट ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है भाई, काफ़ी आरामदायक ट्रैक्टर है, और अगले टायर है इसके 650-20 के अगले टायर है, और 16-28 के पिछले टायर है, और पीछे से अगर बात करें इसकी लिफ्ट के जी की जो अगर कोई कबाड़ या डंगा को गार मिट्टी फंस जाती है बिल्कुल आदमी आसानी से साफ हो जाएगी, जमींदार आसानी से सफाई कर सकता है इसकी, कोई ऐसी बात नहीं, और ये पीछे है ना नंबर प्लेट दी हुई, इस पे नंबर प्लेट लगवा सकता है जमींदार, एक लाइट छोटी सी जो की इस नंबर को है ना देखने के लिए छोटी ही लाइट दी हुई है, ये टूल बॉक्स है पीछे, अजय और इसमें सबसे और कुछ अलग हो ट्रैक्टर में वो फंक्शन रह गए हो, और ये है सर इसका जो तो सबसे मेन है ना एक है ECDI इंजन है इसमें, अच्छा ECDI इंजन का मतलब ये है इको डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, अच्छा इसका हाँ इसका मतलब ये है जैसे पिस्टन पे है ना, हाँ। जो नोजल है वो सीधी है, सीधी 90 डिग्री के उसमें डिजाइन में है, अच्छा। जो कि पिस्टन के ऊपर है ना बिल्कुल जो नोजल का फुहारा लगेगा, हाँ। वो पिस्टनों के ऊपर लगेगा सीधा, सीधा। और ट्रैक्टर की होती है तिरछी, तिरछी तिरछी होने के तो एक साइड ही फुहारा लगेगा, अगर कभी है ना ट्रैक्टर का इंजन खोलेगा ना उसका अदर कंपनी है ट्रैक्टर कंपनी का, उस पे पिस्टन पे अलग से दिख जाएगा, आधा पिस्टन जलाया मिलेगा आधा वो ऐसा मिलेगा, अच्छा इस पे बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे ही पूरे पिस्टन पे ना डीजल का फुहारा लगता है, अच्छा जिससे ट्रैक्टर की है ना ट्रैक्टर को पूरी प्रॉपर ताकत मिलती है, अगर ताकत प्रॉपर मिलेगी तो ट्रैक्टर है ना अपनी जान पूरी लगाएगा, जान पूरी लगाएगा तो ट्रैक्टर में जो डीजल की खपत है ना कम आएगी, और इंजन में भी कमी कम में आओगी, बिल्कुल बिल्कुल जो इसकी जो लाइफ है ना इंजन की कम से कम जो कंपनी बता रही है 25 साल की लाइफ इसकी इंजन की है जी, 25 साल अगर कोई कस्टमर टाइम टू टाइम सर्विस करवाए ना, हाँ तो 25 साल कम से कम इसकी इंजन की और गियरबॉक्स की लाइफ है, लाइफ है मतलब छेड़ना ही नहीं आती नहीं लगाना इसमें, और जो इसकी वारंटी है एक साल तो पूरे ट्रैक्टर की है, अच्छा बैटरी है टायर टपवाइन की एक साल की है, बाकी जो कंपनी की पूरी 5 साल की वारंटी है, सुपर वारंटी, अच्छा 5 साल की क्या क्या डॉक्टर सुपर वारंटी है, अच्छा सुपर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है इंजन के जितने भी पार्ट है वे सारे इंक्लूड हो गए, गियर बॉक्स के जो कितने पार्ट है वे सारे इंक्लूड हो गए, जो रियर एक्सल पिछला एक्सल है पिछला हिस्सा, हाँ उसके सारे पार्ट इंक्लूड हो गए, जो कि अदर कंपनी है ना 5 ईयर वारंटी तो मिल जाएगी, लेकिन नीचे सुपर वारंटी नहीं मिलेगी, सुपर वारंटी नहीं होगी तो उसमें गिने कुने 2-4 है ना पार्ट ऐड हो गए नहीं हो गए वो सिर्फ एक बकाने वाली बात है, अच्छा लेकिन कंपनी ने इसमें नीचे लिख दिया सुपर वारंटी है, सुपर हर इंजन का पार्ट हर गियर का पार्ट हर पिछले हिस्से का पार्ट इंक्लूड होगा, अच्छा जो इसका ये बेनिफिट है। तो ये था भाई डिजाइन बाइक को वोटा इन जापान, और आगे की ये लाइट देख लो कितना जबरदस्त लुक है, लाइट है बहुत शानदार लाइट है, जो कि इनका जो रात को है ना हाँ। इतना कतिल
गाड़ियों की तरह रोशनी पड़ती है रोड। अच्छा, बिल्कुल। ड्राइवर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और जो बॉडी है बोनट देखा भाई, बिल्कुल ठेल है। और इसकी फ्यूल टैंक कितनी होगी? फ्यूल टैंक जो इसका 60 लीटर का है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक है और काफ़ी खुला स्पेस है। और ये टायर, और भाई कोई सवाल रह गया हो कोई इस ट्रैक्टर के बारे में, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।